Mama. भाई जरा सुनो, अरे उठो, हम आप सबको अत्याचार दे रहे नहीं आया हूँ।
आप सब जरूर जानना चाहते होंगे कि हम कौन हैं। हमें भी यही स्कूल से धक्के मार के बाहर फेंक दिया गया था। तभी से हम प्रण ले लिए थे कि मैं बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह प्रण लिए थे कि हम शिक्षित बनेंगे और संगठित बनेंगे और संघर्ष करेंगे अपने जाति के अपने अपने लोगों के लिए कुछ। अरे इस संघर्ष में आप क्या साथ दे सकते हैं? अरे इस संघर्ष में आप क्या साथ दे सकते हैं? बस हमें अब यह करना होगा, हम लोगों को बस शिक्षित बनना होगा और शिक्षित जब बन जाएंगे तो संगठित हम अपने आप बन जाएंगे। समाजशास्त्री, शिक्षाविद और कानून के जानकार के तौर पर अंबेडकर ने आधुनिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत के विकास में जितना योगदान रहा है उतना शायद ही किसी और राजनेता का रहा हो। एक अत्री समाजशास्त्री, शिक्षाविद और कानून के जानकार के तौर पर अंबेडकर ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी और देश उनके इस योगदान को लेकर संविधान की रचना की जिसकी नजरों में सभी नागरिक एक समान हो, जो धर्म निरपेक्ष हो और जिस पर देश के सभी नागरिक विश्वास करें। एक तरह से भीमराव अंबेडकर ने आजाद भारत के जय 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 जलवा तेरा जलवा भीमजी तेरा जलवा तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है वीर और बलवा जलवा तेरा जलवा जलवा हाँ भीम तेरा जलवा जलवा।